हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला आप सभी के लिए फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ। आपको मैंने लास्ट क्लास में मैक्सिमम चीजें लाइन और पॉइंट्स के बारे में बता दिया था। एक लास्ट चीज जो बची हुई थी परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स के बारे में मैंने बताया था आपको थोड़ा बहुत, लेकिन आज उसका फॉर्मूला देखेंगे। हमें क्या देखना है कि अगर कोई पॉइंट आपको x1, y1 ये पॉइंट दिया गया है और इससे एक लाइन दी गई है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया होगा। हमेशा लाइन इक्वेशन के फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0 इस फॉर्मेट में मिलती है आपको लाइन। इस लाइन पे अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, पॉइंट मान लिया p है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। आपसे पूछा जाएगा लंब का पाद क्या होगा, यानी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है उसका प्रोजेक्शन जहां पे होगा, प्रोजेक्शन पॉइंट, उसकी वैल्यू आपको बतानी है, उसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा भी गया है। इसका फॉर्मूला होता है पी पॉइंट के निर्देशांक निकालने का। हमेशा याद कर लीजिए कि इसी इक्वेशन में आपको ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है, इसी इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है, यानी x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 आ गया, अपॉन c + c अपॉन स्क्वायर रूट लेना है हमको a² और b² ये होता है फॉर्मूला। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं और वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना है, जो इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया आपको याद होना चाहिए, या एक्सिस या ऑर्डिनेट, भुज और कोटि होता है, यानी ये एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी, ये वाई एक्सिस पर चली गई दूरी होती है। तो एक्स एक्सिस वाले को एक्स की जगह रखेंगे, वाई वाले को वाई की जगह रखेंगे और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में इन दोनों एक्स के जो कोफिशियंट है इसका, कोफिशियंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशियंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट लेना है। नीचे क्लियर होगा, चलिए क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन कि बिंदु 2,3 से रेखा 3x + 4y + 7 = 0 की लंबवत दूरी क्या होगी। 3x + 4y + 7 = 0 की पॉइंट दिया गया है 2,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। पूछा गया है पॉइंट 2,3 से 3x + 4y + 7 की दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला अगर आपको याद है। इसी में आपको क्या करना है, ये वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है, यानी 3 × ये 2 वैल्यू है, वहां पर 4 × 3 है y की वैल्यू + 7 ये ऊपर लिखा आपने, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट लीजिए, आंसर आने वाला है 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 18 हो गया, 8 × 7 = 15, 25 आ गए यहाँ पे, और 3 × 4 = 5 तो बनता ही है, यहाँ आंसर क्या आने वाला है आपका 5 आ गया। बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान चीज, बस केवल आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाइए पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन ये आपने अगर चाहा तो आप नोट्स बना रहे हो अगर, तो आप लिख सकते हैं कि किसी एक बिंदु, ब्रैकेट में लिख लीजिए x1, y1 से किसी रेखा ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, तब आप फॉर्मूला लिखो। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट है पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है, मतलब क्या है कि अगर दो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो दोनों लाइन, पहली बात तो आपको मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2, मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज बताया पैरेलल लाइंस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो ऐसे लिखा जाएगा ax + by + c1 = 0 पहली लाइन,
और फिर से दूसरी लाइन भी ऐसी ही होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ऐसी लाइन्स मिलती है। मतलब आपको क्या मिलेगा, अगर ये मिला 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये मान लीजिए हो गया, तो इसी तरह सेम अगली भी लाइन मिलेगी 2x प्लस 3y, केवल यहां पे क्या हो जाएगा 7 मान लीजिए कर दीजिए, ऐसी कोई लाइन, ठीक है, जिनका कोई सॉल्यूशन संभव नहीं होता है आपको लिखवाया। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर दो इक्वेशन मिली पैरेलल लाइंस की, तो उनमें हमेशा इसकी कोफिशिएंट बराबर होता है ना। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको मिटा देते हैं, डी क्या होगा। अच्छा, आपको यह भी याद करना है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मॉड नहीं लगाए अगर तब भी आप समझ जाइए, फिलहाल हम मॉड लगा देते हैं। मॉड मतलब होता है हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देने वाली चीजें, है ना। तो आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वही वाला लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नोट कर लीजिए फटाक से, इस पर क्वेश्चन करते हैं। हो गया होगा, अब फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कब ये होगा, जब आपको दो एक्सप्रेशन दे दी गई हो जिनके ये कांस्टेंट टर्म केवल अलग होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनके केवल कांस्टेंट टर्म अलग होते हैं बस, ठीक है। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक लाइन में लिखा गया है दो समांतर रेखाओं, दोनों समांतर रेखाएं दी गई हैं, 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू जीरो, और दूसरी समांतर रेखा है 3x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू जीरो। दो समांतर रेखाओं 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू जीरो के बीच की दूरी क्या होगी। फॉर्मूले में पहले पुट करिए, बस आपका आंसर आने वाला है डायरेक्टली, c1 माइनस c2 इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस माइनस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, यह आया 25, यह आया 5, यानी आंसर आने वाला है 5। मान लीजिए आप उल्टा लिख देते हैं, पहले ये वाली क्वेश्चन लिखते हैं बाद में ये वाली क्वेश्चन लिखते हैं, तो यहाँ पे आता माइनस माइनस 25/5 यानी -5। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है, मॉड। मॉड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू हो मॉड में तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे सकती है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं दे सकती, ठीक है। मॉड की मीन समझ लीजिए, और आपको इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है अभी तक, पैरेलल लाइंस में बस यही पूछा गया, क्लियर है बात। अब आ जाइए ट्रायंगल्स पे आते हैं, इस तरह ये मैक्सिमम एरिया मैंने कवर कर लिया है, जो भी आए थे एग्जाम्स में या जो नहीं आए उनको भी मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। अब आते हैं ट्रायंगल्स के पार्ट में, देखिए ट्रायंगल में सबसे पहले आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं। देखिए कुछ केंद्रों के बारे में आपको याद होना चाहिए, वैसे मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन कोऑर्डिनेट में पढ़ना है आपको, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके निर्देशांक आपको पता होंगे, दिया गया होगा क्वेश्चन में x1y1 x2y2 और x3y3 हम मान लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक ट्रायंगल। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि सेंट्रॉइड्स का बताइए, यानी जिसको आप बोलते हैं केंद्रक। अब इसका केंद्रक पूछ लेंगे तो सबसे आसान चीज है ये और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज, बाकी चीजों में टाइम लगता है, इसमें टाइम सबसे कम लगता है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक एसएससी में। तो केंद्रक क्या होता है, सभी के एब्सिसा का एडिशन बाय 3 और ऑर्डिनेट का एडिशन बाय 3, यानी सभी के भुजों का एडिशन बाय 3 और सभी के कोटियों का एडिशन बाय 3, यह इतना होता है केंद्र। क्लियर होगा आपको, तो नोट कर लिया होगा फॉर्मूला आपने, एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको जिससे याद हो जाए। केंद्रक क्या होता है कि तीनों के भुज जोड़ लीजिए आपस में, उनको बटे 3 कर दीजिए, और तीनों के कोटियों को जोड़ के उनको बटे 3 कर दीजिए,
आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 8.6, 8.-2 और 2.-1। एक त्रिभुज जिनके शीर्षों के निर्देशांक इतने हैं, तो आप बताइए इसका केंद्र क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा। तो केंद्र का आपको याद होना चाहिए, सभी भुजों का योगफल बटे 3 करना है, तो इसका भुज है 8, 8, 16, 2, 18 का बटे 3 यानी 6। अगला देखिए, 6-2-1 यानी ये कितना हो गया, -3, 6-3, 3 बचा, 3/1 करिएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर है आपको? चलिए अगला हम लोग देखते हैं अंतर केंद्र। अब आते हैं अंतर केंद्र यानी इन सेंटर पर। अंतर केंद्र को अगर आप क्वेश्चन से समझिए तो बेहतर होगा, बट पहले आपको एक बार बता देते हैं जल्दी जल्दी से। अंतर केंद्र में क्या करना है आपको कि सारे साइड्स को निकालना पड़ेगा। देखिए सभी साइड्स को बिना निकाले अंतर केंद्र नहीं निकाल सकता है। इस पर हम लोग क्वेश्चन, चलिए ऐसा फॉर्मूला टाइप का लिखवा देते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करिए तो बेहतर होता है, बट फॉर्मूला टाइप का लिख लीजिए। देखिए अंतर केंद्र में क्या होता है कि सामने वाली साइड्स का आना जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से सामने वाली साइड निकाल लेते हैं। क्लियर? इसका मतलब कोई ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से ये वाली साइड निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, आपको समझाया गया है। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको ए मान लिया, अगर इसके सामने वाली साइड को बी मान लिया, इसके सामने वाली साइड को सी मान लिया, तो इसका निर्देशांक क्या होता है, ए से मल्टीप्लाई करिए एक्स वन में, इन सेंटर आई लिख देते हैं। देखिए ए से मल्टीप्लाई करिएगा एक्स वन में और बी से मल्टीप्लाई करिएगा एक्स टू में। सामने वाली साइड देख रहे हैं, देखिए ए से मल्टीप्लाई करना है एक्स वन में, बी से एक्स टू में, सी से एक्स थ्री में। ठीक है, सामने सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सी एक्स थ्री अपॉन में जो तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स का सम रखना है। यह आया कुछ ऐसे ही, कोट निकालनी है आपको तो कोट निकाल लीजिए, सेम यही प्रोसेस करना है, ए वाई वन, बी वाई टू, सी वाई थ्री अपॉन में तीनों का सम। फटाफट से नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन हम करवा देते हैं। एक्स टू वाई टू ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए, ये पूरी साइड है ए, ये बी, ये सी। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, याद कर लीजिए कि ए से एक्स वन में मल्टीप्लाई किया, मतलब जो सामने वाली साइड है उससे एक्स वन में, इसके सामने वाली साइड से एक्स टू और सामने वाली साइड से इसके निर्देशांक, इसमें मल्टीप्लाई करके अपॉन में तीनों साइड्स का सम। इसी तरह यहां बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, अगला क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि उस त्रिभुज का अंतर केंद्र क्या होगा जिसके निर्देशांक, ट्रायंगल बना के आपको डायरेक्टली लिख के दिखाते हैं, आप चाहिए तो नोट करते रहिए साथ में, उस त्रिभुज का अंतर केंद्र क्या होगा जिस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4.-2, 5.5 और -2.4 है, यह इतना आपसे पूछा गया। तो इसमें देखिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा के सारी साइड्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद होगी, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, यही होता है। तो आप रख दीजिए x2-x1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, -2-5 यानी -7 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 5 और 4 का डिफरेंस 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया यानी 50 आया। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 50 लिख देते हैं, ये आएगा x2-x1 -2-5 7 और
y2 टू माइनस वाई वन वन फोर्टीन ठीक है। अगला देखिए इसका और इसका निकाल लेते हैं, फाइव माइनस फोर वन का स्क्वायर और फाइव माइनस टू यानी सेवन का स्क्वायर, ये भी फिफ्टी आएगी, फिफ्टी को आप पहले चेंज कर लीजिए, देखिए फिफ्टी को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वेंटी फाइव इंटू टू यानी फाइव रूट टू, तो इसको भी लिख देंगे हम क्या, फाइव रूट टू। इसी तरह यहां चेंज करिए, फोर माइनस टू यानी सिक्स हो गया, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो गया और इसमें ये भी सिक्स हो जाएगा, थर्टी सिक्स ट्वाइस आएगा यानी आएगा सिक्स रूट टू। आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं फिर से तो आपको बेहतर समझ में आएगा, केवल मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी और नहीं किया ठीक है। तो आप रख दीजिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है सामने वाले नंबर में, यानी फाइव रूट टू मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस दूसरा वाला नंबर लीजिए फाइव रूट टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू प्लस तीसरा नंबर सिक्स रूट टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी यानी फाइव रूट टू प्लस फाइव रूट टू प्लस सिक्स रूट टू, यह आया भुज है ना। इसी तरह आपको कोटी निकालनी है तो इसको हम पहले सॉल्व करके छोटा कर देते हैं, देखिए पांच और बीस आया यहां पे और पांच दोनों दस, ये माइनस में है ये प्लस में है तो केवल क्या बचा दस रूट दो, यहां पे छह पच्चे तीस, तीस दस चालीस, चालीस रूट दो आया है ऊपर, चालीस रूट दो ऊपर आया है, यहाँ पे पांच पांच दस छह सोलह, सोलह रूट दो नीचे आया, यानी ऊपर क्या मिला आपको चालीस रूट टू और यहाँ पे सोलह, ये मिल गया है। मिटा दें इसको, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए इसका कोटि निकालते हैं यानी ऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए फाइव में मल्टीप्लाई करते हैं जो पहले लेते थे वही लेके चलिए, फाइव रूट टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू, फाइव रूट टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू प्लस फाइव रूट टू मल्टीप्लाइड बाई फोर और प्लस सिक्स रूट टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी यानी फाइव रूट टू, फाइव रूट टू सिक्स। इसमें भी चेक कर लीजिए आप, पांच दूना दस माइनस में आया, पांच चौबीस प्लस में आया, यानी फिर यहाँ पे दस बचेगा और छह बचे तीस, चालीस आएगा, फिर से यही वाली चीजें वापस आने वाली है, तो यहीं पे लिख देते हैं चालीस रूट दो बटे सोलह रूट दो, ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट ठीक। कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, आठ बचे चालीस, आठ दूना सोलह यानी फाइव बाई टू कॉमा फाइव बाई, ये आएगा आपका, क्लियर हो गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको देखना है, देखिए अंतर के अंदर पूछा गया है एक बार और एक बार शायद पर के अंदर पूछा गया है, बाकी केंद्र से रिलेटेड केवल बस एक ही सबसे ज्यादा पूछा गया है, केंद्र सबसे ज्यादा केंद्र पूछा जाता है और सबसे आसान है, तो उसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये भी अगर दिमाग में रहता है तो बेहतर होगा। अब आपको निकालना है परिधि, परिकेंद्र जिसको आप बोलते हैं सर्कम सेंटर, इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना है, केवल आपको क्वेश्चन के थ्रू समझना है ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको दिया गया है एक ट्रायंगल, क्वेश्चन जो नोट कर रहे हो नोट कर लीजिए, एक त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा जिसके शीर्षों के निर्देशांक थ्री कॉमा वन फोर कॉमा फाइव और सिक्स कॉमा सेवन, उस त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा जिस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक थ्री कॉमा वन फोर कॉमा फाइव सिक्स कॉमा सेवन। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि परिकेंद्र बनता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन याद करें होते तो बहुत आसानी से हो जाता, आपको पता होना चाहिए लंब समद्विभाजक खींचते हैं ना, इसके लिए लंब समद्विभाजक अगर आप खींचते हैं तो आपको क्या पता है कि अगर मान लीजिए यहां से मैंने लंब समद्विभाजक खींचा है, ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र को हम C से दिखा दे रहे हैं, सर्कम सेक्टर C से, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x कॉमा वाई है, तो
तो अगर यहां से देखें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लंब समद्विभाजक यही खींचा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर भी होता है, इक्वली डिवाइड भी करता है, दोनों बातें पता है। अगर ये इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट की वैल्यू यानी निर्देशांक निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है कि इनके भुजों का योगफल बटे दो, कोटियों का योगफल बटे दो, यानी एब्सिसा का एडिशन बाई टू और ऑर्डिनेट का एडिशन बाई टू, यानी 4 + 6 यानी 10 बाई टू यानी 5 + 7 यानी 12 और 12 का आधा करिएगा तो 6 आएगी। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि अगर एक चीज यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक लाइन दूसरी लाइन पे, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आपने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर लाइंस के प्रवणता एंड स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होता है, पढ़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो आप यही कर लीजिए, केवल दो बार यही करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्यों करना पड़ेगा दो बार, क्योंकि आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज है, अगर दो अननोन क्वांटिटीज है तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्लियर। तो आप सॉल्व करके देखिए, देखिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हुए हैं, तो इसकी अगर आपको दो पॉइंट पता है तो वहां से डायरेक्टली एम की वैल्यू निकालना आपको आता होगा। एम होता क्या है, प्रवणता होती है, स्लोप होता है, जिसकी वैल्यू होती है y2 - y1 / x2 - ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, मैंने बताया था, नहीं आता है तो आपको रिवाइज करा देगा, ठीक है। तो आप लगा दीजिए फटाफट से, दोनों हम एक साथ रखते हुए चलते हैं इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाली लाइन की प्रवणता स्लोप निकालता है, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, y2 - y1 यानी 6 - y / 5 - x, ये हो गया पहले वाले का स्लोप। दूसरे वाले का स्लोप क्या आ जाएगा, ये पूरी लाइन का, दूसरी वाली पूरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 7 - 5 / 6 - 4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होना चाहिए, इसी को बस आपको सॉल्व करना है एक इक्वेशन पाने के लिए। तो आप इक्वेशन निकालिए, 6 - 4 2 बचेगा और 5 - 2 - 7 ये पूरा 1 हो जाएगा करके, इसको इधर ट्रांसफर करिए और सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, तो आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है। कौन सी इक्वेशन, 5 को इधर ले जाइएगा तो -5 बनेगा, ये +x बनेगा, एक्स वाई को इधर ले जाइएगा तो x + y और इधर -5 है, इधर जाएगा 11 आ जाएगा। पहली क्वेश्चन आ गई, केवल इसी को मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। पहली क्वेश्चन आ गई x + y की वैल्यू 11। अब दूसरी क्वेश्चन आपको निकालना है, इसी तरह अगर आप किसी भी चाहे इधर कहीं पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये भी तो वही होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ये भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये क्या हो जाएगा, फिर से मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या होता है, इन दोनों का सम 4 - 3 = 7/2 यानी 7/2 - 5 = 6/2 यानी 3, यही है। अब फिर से आप क्या करिए, इन दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर है M1 M2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। क्या करना है आपको, 3 - y / 7/2 - x, ये पहले वाले का हो गया, दूसरी वाली लाइन ये सीधी वाली लाइन है, सीधी वाली लाइन का क्या हो जाएगा, 5 - 1 / 4 - 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर रखिएगा तो 1 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 - 3 = 12 - 4y, इसको इधर ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा x, यानी x को इधर ले जाइएगा और यहां पे 4 - 3 = 1 हो गया, हाँ ठीक, x + 4y और 4 - 3 = 12 इधर था -7/2 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 12 * 2 = 24 7 * 4 = 11 - 31 इतना ही आने वाला है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और कितना बनेगा, 11 * 2 = 22 इस पूरे क्वेश्चन में से सेकेंड इक्वेशन इसको हम मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए इसमें से इसको माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, x 4y - y 3y बचेगा, 3y की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 31/2 - 11 यानी 22 माइनस करेंगे यानी 9/2 मिलेगा,
यहाँ 9/2 मिलने वाला है, यही आएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करिएगा, अगर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3/2 मिल जाएगा। y की वैल्यू अगर आपको 3/2 मिल गई तो आप इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन में रखते ही आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3/2 इसमें से माइनस करिए तो 22 - 3 यानी कि 19 बचेगा, 19/2। यानी आपको जो निर्देशांक निकालने थे वो 19/2 और 3/2, यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप 19/2 और 3/2, क्योंकि आप पहले एब्सिसा लिख रहे हैं, पहले भुज लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बात सारी समझ में आ गई होगी और हम आगे बढ़े फिर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी थे, वैसे तो परिकेंद्र बहुत रेयरली पूछा जाएगा, ज्यादातर आपको जो भी टीसीएस का पैटर्न हम देख रहे हैं पर्सनली जो हमने देखा या क्वेश्चन सॉल्व किए वो मैंने देखा, ज्यादातर सर्कल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या ट्रायंगल से आते भी हैं, तो केंद्रक या ऐसे कोई मध्य बिंदु, बहुत आसान आसान सी चीज है। सबसे ज्यादा एरिया पूछा जाता है, तो एरिया हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर एरिया पे आ जाते हैं डायरेक्टली। देखिए एरिया निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिख लीजिएगा। x1 y1 ये दिया गया है, x2 y2 ये दिया गया है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए होते हैं। तब आप कैसे निकालते हैं, देखिए कई तरह से एरिया निकलती है। सबसे बेसिक तरीका यह है कि अगर आपको तीनों निर्देशांक, तीनों पॉइंट दिए गए हैं, तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2। x1 ले लीजिए बाहर, x1 ले लिया, अब उसको छोड़िए, साइक्लिक चलता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। x1 आपने बाहर ले लिया तो बचा, उसको छोड़ दीजिए। सेकंड पे आइए, y2 में से y3 को माइनस करना है, y2 माइनस y3 प्लस x2 को ले लिया बाहर, ये x2 बाहर लिया तो अगले वाले पे आइए, y3 में से y1 को माइनस करना है। और जब आप x3 को बाहर लेंगे तो y1 में से y2 को माइनस करेंगे, यही होता है आपका फॉर्मूला। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यही होता है, जब आपको उस ट्रायंगल के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हो तो क्या करना है, 1/2 लगाना है, x1 को बाहर रखना है, फिर इसको छोड़ो, x1 ले लिया इसको छोड़ो, अगले वाले पे आते हैं, इसका y2 माइनस y3 किया, मतलब x1 को बाहर रखना है, y2 माइनस y3 अंदर रखना है, x2 लिया तो 2 के बाद 3 और रन आ गया। देखो एकदम साइक्लिक चल रहा है, आपको ध्यान से देखिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एक सीक्वेंस में अगर 1 2 3 कहीं पे लिख लीजिए तो 1 2 3 आया, 2 3 1 आया, 3 1 2 आया, एकदम साइक्लिक चल रहा है आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, इस पे क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से, आपसे कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4.5 -3.8 और 3, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितने हो तो आप बताइए उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ब्रैकेट में x1 हमने ले लिया 4, फिर y1 y2 माइनस y3 करना है, 8 - 4 यानी 8 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस लगेगा तो 8 * 4 = 12 हो जाएगा यहां पे, प्लस x2 मींस -3, y3 - y1 यानी -9, प्लस x3 और अगले बार y1 में से y2 को माइनस करते हैं यानी -3, ये इतना आने वाला है। इसको सॉल्व करिए, 12 * 4 = 48, 9 * 3 = 27, 3 * 3 = 9 तो 36 आ जाएगा माइनस में, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा तो 18 बचेगा, 27 - 9 18 बचा और ये 48 बचा, तो 48 बचा यहाँ पे और 18 8 8 16 4 1 5 1 6 कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा 33, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, फॉर्मूला याद करने के बाद कुछ भी नहीं है, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर कोई तीन बिंदु कोलिनियर, मतलब कोलिनियर मतलब आप समझते हैं सनरेज, इसी को बोलते हैं सनरेज बिंदु, कोई तीन पॉइंट अगर सनरेज है, सनरेज कोलिनियर मतलब क्या है कि एक पॉइंट जिस लाइन पर, मान लीजिए ये लाइन है तो एक पॉइंट यहां पे है ए, दूसरा पॉइंट सी पे है बी, और तीसरा पॉइंट भी सी पे है सी, तो ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि तीन पॉइंट कोलिनियर है तो आप देख सकते हैं कि इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब भी पॉइंट कहीं और होता है, ऐसे ट्रायंगल मिला देते हैं। ये पॉइंट चूंकि सी पे है तीनों पॉइंट, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं एरिया बराबर जीरो है, ट्रायंगल का एरिया बराबर जीरो है। तो इसीलिए आपको जब भी कभी कोलिनियर पॉइंट मिलते हैं तो आप कहते हैं एरिया, जो ट्रायंगल की एरिया है वो जीरो के बराबर रख देते हैं, यानी वन बाई टू, वही फॉर्मूला क्या होता है एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये फॉर्मूला किसके बराबर रखना है आपको, जीरो के बराबर। पूरा फॉर्मूला जीरो के बराबर रखिएगा तो यहां ये मल्टीप्लिकेशन में, यहां डिवाइड में जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो आपको केवल क्या मिलेगा, यही इतना फॉर्मूले की वैल्यू जीरो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? तो आप क्वेश्चन देखिए सही, केवल आपको क्या करना है, ट्रायंगल की एरिया जीरो के बराबर पुट कर देनी है अगर आपको कोलिनियर पॉइंट दिए गए हो तो। इसको एक और तरीके से हम बताएंगे आपको, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि यदि माइनस छ माइनस नौ, तीन कॉमा माइनस तीन, और बारह कॉमा के संरेख है, कोलिनियर है, तो के का मान क्या होगा। तो के का मान आपको निकालना है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू, आपको क्या मिलेगा एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, यानी माइनस थ्री माइनस के, प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, यानी के माइनस नाइन, यानी प्लस हो जाएगा यहां, प्लस एक्स थ्री ले लिया तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना आएगा, माइनस नौ माइनस तीन माइनस छह आ जाएगा, ये बराबर जीरो के रखना है आपको। तो आप सॉल्व कर दीजिए इनको, यहां पे आ जाएगा प्लस के फॉर्मेट में, तो छह तीन अठारह माइनस में मिलेगा, और माइनस छह की सॉरी प्लस में मिलेगा, यह अठारह मिलेगा, प्लस सिक्स के प्लस थ्री के प्लस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू बारह छह बहत्तर, उधर ले जाइए यहां पे आ गया प्लस में, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, छह तीन नौ, नौ की वैल्यू कितनी आ गई, आठ सात पंद्रह, और दो एक तीन एक चार पैतालीस, है ना। तो नौ की वैल्यू पैतालीस, इसमें से माइनस करिएगा तो सात पांच बारह और चार दो छह सत्ताईस आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई यहां से तीन, आपका आंसर होना था तीन, थ्री। बेसिक था, एकदम समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और हम बता देते हैं, इसमें दूसरा भी तरीका है, थोड़ा सा आसान हो जाता है इसे सॉल्व करना, तो आप सॉल्व करिए। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था किसी एक ही लाइन का हर जगह पे स्लोप बराबर होता है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए एक लाइन पे तो हर जगह इसका स्लोप बराबर होता है, है ना, हमने बताया था। तो अगर ये ए पॉइंट बी पॉइंट ये सी पॉइंट हम मान लें तो ये कोलिनियर है, तो एक ही लाइन पे, एक लाइन पे इनका स्लोप बराबर होगा। स्लोप बराबर कर दीजिए, स्लोप बराबर करते ही आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। स्लोप होता क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, कर दीजिए माइनस नाइन माइनस थ्री, माइनस नाइन माइनस थ्री कितना आ जाएगा माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स माइनस थ्री यानी माइनस नाइन इक्वल टू माइनस थ्री माइनस के अपॉन थ्री माइनस ट्वेल्व यानी माइनस के साथ नाइन, माइनस नाइन कैंसिल हो गया, यहां माइनस कॉमन करिएगा यहां से कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा आसान है, अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स देखने हैं तो आप कह सकते हैं कि उन दो भी किसी भी दो बिंदु के बीच का जो आप प्रवणता निकालते हैं, जो स्लोप निकालते हैं, वो एक ही लाइन पे चुकी है तो हमेशा बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे तो आप बराबर करके एक ही लाइन में आंसर
निकाल सकते हैं, आपको उतना बड़ा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ो। अगला देखिए, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही हम बताते चलते हैं जो भी एरिया पूछे गए, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया बहुत टाइप से आते हैं, तो वो आपको हम धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझाते चलते हैं। देखिए, आपको दिया गया है एक रेखा 8x + 15y = 120 और रेखा 3x + 4y = 12। रेखा 8x + 15y = 120 और रेखा 3x + 4y = 12 और x अक्ष और y अक्ष द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 8x + 5 = 15y = 120 और 3x + 4y = 12 और x अक्ष y अक्ष के साथ बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। इससे पहले आपको एक ब्रीफ बता देते हैं, थोड़ा सा इसको हम बगल में लिख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली आपको रिवाइज करा देते हैं क्योंकि आप ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं बहुत जल्दी। आपको याद हो मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये अंतःखंड रूप होता है, एक किसी लाइन का अंतःखंड रूप होता है जिसमें ए और बी अंतःखंड होते हैं। मतलब अगर एक ऐसे लाइन पास कर रही है तो ए एक्स एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है और बी वाई एक्स, ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यही चीजें हमें अप्लाई करनी है। मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि इस क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तब आप समझ पाएंगे इसका यूज क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको केवल यही इतना दिया गया होता कि एक लाइन है 8x + 15y = 120 और एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच घेरा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, जो कि बहुत बार पूछा गया, तो आप इसी को निकाल के देखिए एक बार। देखिए, इसको पहले अंतःखंड रूप में बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप 8/120 को यहां डिवाइड करिए, 120/8 लिख सकते हैं इसको, प्लस y/120 यहां पे डिवाइड होगा / 15, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए अंतःखंड रूप बन रहा है, x/a y/b = this, तो इससे कैंसिल कर दीजिए, 8 4 12 8 5 40 15, 8 12 गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि x अक्ष पे 15, y अक्ष पे 8 अंतःखंड काटेगी लाइन, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ y अक्ष पे 8 होगा और यहाँ कहीं होगा 15, तो ऐसे करते हुए ऐसे लाइन पास होगी। इस पे आपने कितना अंतःखंड काटा है, 15, और इस पे कितना, 8। अब आपसे पूछा गया x अक्ष और y अक्ष के बीच गिरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यही x अक्ष है, ये y अक्ष है, अब ये 90 डिग्री पे है, यानी ये पूरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। तुरंत आप सॉल्व कर लिए, 2 चौक 8 15 चौक 7, इसका एरिया क्या आने वाला है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, तो उसको समझ लीजिएगा। केवल क्या करना है, इस लाइन को ऐसे चेंज करना है जो अंतःखंड रूप होता है x/a + y/b = 1, उसी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अब जो अंतःखंड कट रहे हैं वो आपको पता चल गए, 8 और 15 है, 8 और 15 ड्रॉ करिए, देखिए आपको तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा और तुरंत फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर है। अब आ जाइए जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है कि आप इस बार चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल से निकालना है हमको, इस वजह से हम ट्रायंगल में बता दे रहे हैं, अभी आपको क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आपको क्या मिला, पहली लाइन मिली x/, अब आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कर रहे हैं ना। तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 120/8 आएगा, यानी 15 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस y/15 से डिवाइड करके लिख दीजिए तो 8 आ जाएगा, ये इतना मिलेगा आपको। इसी तरह इस वाले को भी लिख लीजिए, x/, जब 12 से डिवाइड करिएगा तो 3 से कट होके ये कितना बनेगा, 4, और 4 से कट होके ये कितना बनेगा, 3। देखिए दोनों के अंतःखंड में पता चल गया है, यानी एक लाइन अगर ऐसे रही होगी तो दूसरी लाइन यहां कहीं बनी होगी,
पहले वाले का अंतःखंड 15 और 8 है। देखिए 15 हम मान लेते हैं, ये तरफ पूरा 15 है, ये बड़ा वाला पार्ट 8 है, ठीक है। ऐसे छोटा वाला है 4 और 3 है, यानी ये इतना पार्ट 4 है, ये इतना पार्ट 3। आपको दोनों अंतःखंड पता है, बस आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया है ये जो चतुर्भुज बना है, इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, ये मैंने शेडेड कर दिया, इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वाले इस पूरे ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। निकाल दीजिए 1/2, इतना लिखना नहीं चाहिए था 1/2 करके, क्योंकि आपको याद होना चाहिए क्या होता है 1/2 हाइट इनटू बेस। हाइट क्या है यहाँ पे, 15 है, सॉरी 8 है यहाँ, 15 है, कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। डायरेक्टली आप कर सकते थे, फिलहाल हम लिखते रहे 18 × 15, इतना आ जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 3 × 4। सॉल्व कर लीजिए, 15 × 4 = 60 और 3 × 2 = 6, यानी कितना आएगा 54 आएगा आपका एरिया। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि रेखा x+y = 3 और 2x+5y = 12 तथा x अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। रेखा x+y = 3, 2x+5y = 12 तथा x अक्ष यानी x एक्सिस के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तुरंत आपको क्या सोचना है, आपको क्या सोचना है तुरंत कि ये अगर हम अंतःखंड रूप बनाए, इंटरसेक्ट फॉर्म बनाए तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 से डिवाइड करिए 6 आएगा, 5 से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 12/5 = 1। ये दोनों का अंतःखंड रूप बना लिया आपने, x अक्ष तो x अक्ष है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। वहां पे ड्रॉ करने पे क्या मिलेगा, x और y पे तीन तीन दूरी चलनी है आपको, मान लीजिए ये तीन तीन दूरी हमने चल दी है, ठीक है। इसी तरह आपको अगली बार x पे 6 दूरी चलनी है, ये अगर तीन दूरी, सॉरी ये अगर तीन दूरी है तो इससे आगे थोड़ा सा देखिए छोटा सा कर देते हैं क्योंकि बोर्ड से बाहर चला जाएगा। मान लीजिए ये तीन तीन दूरी हमने बना लिया, अगर ये तीन तीन है तो x पे 6 दूरी अगर चलनी है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आएगा, और y पे 12/5 यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 2.5 × 10 और 4 ना 2.4 आएगा। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ये इतनी दूरी 3 है, 2.4 इससे कम यहाँ कहीं होगा तो इसको ऐसे मिला दीजिए। अब एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक क्या दो तीन बन रहे हैं, लेकिन आपको एक ही से मतलब है, जहां ये कट कर रहा है ये इतना पार्ट आपको निकालना है, ये इतना पार्ट होता है जो आपसे पूछा गया, ठीक है। शेडेड एरिया ये इतना निकालना, शेडेड एरिया निकालने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, जो मन करे आप लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको पता है ये इंटरसेप्ट कितना था, ये 6 था, ये 6 था और ये इतना क्या था 3, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये पूरा पार्ट 6 था, ये 3 था, तो ये भी हमने निकाल लिया 3 ही होगा। अब आपको निकालना है ये डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रायंगल बनाया जाता है, ऐसे भी अगर हम ट्रायंगल बना देते हैं तो आपसे क्या मतलब होता है, केवल कि इसका बेस अगर एक्स ये तरह पता है और हाइट पता है तो आप निकाल लेते हैं डायरेक्टली 1/2 x × h, क्योंकि आपसे नहीं मतलब होता है कि बेस कितना बड़ा है, जितना बेस आप लेंगे हाइट उसी पे ड्रॉ होनी चाहिए, जरूरी नहीं उसके अंदर, बाहर भी ड्रॉ हो सकती है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री है ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है हमें, तो हाइट हमें पता होनी चाहिए। हाइट क्या होगी, देखिए यहीं से तो हाइट ड्रॉ करेंगे आप, यही हाइट होगी। हाइट क्या होगी, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। अब हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये इन दोनों दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो 2 से मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं,
टू से मल्टीप्लाई करते ही टू टू और सिक्स हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लिया, टू एक्स कैंसिल हुआ, फाइव एक्स माइनस फाइव वाई माइनस टू वाई थ्री वाई आया और यहाँ पे सिक्स आया, थ्री वाई सिक्स यानी वाई की वैल्यू टू, ये तो आएगा। अरे थ्री वाई की वैल्यू आई थी सिक्स, तो वाई की वैल्यू टू, क्लियर होगा, वाई की वैल्यू टू आ गई है, तो ये इतना डिफरेंस आ गया टू। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, वन बाई टू टू इंटू थ्री, हाइट इंटू बेस, यानी आंसर आ जाएगा आपका थ्री। तो केवल आपको बात को समझना है कि जब भी कोई इक्वेशन दी गई हो तुरंत आप सॉल्व करके उसको दोनों अंतःखंड रूप में चेंज कर दीजिए, अंतःखंड में चेंज करने के बाद उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, वही पॉइंट निकालिए जो आपको जरूरत है। वैसे तो आप यहां से x की भी वैल्यू निकाल सकते थे, y की भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन आपको जरूरत किस बात की थी, ये y अक्ष पर चली गई दूरी ही तो है, देखिए यहीं से पे तो चली गई दूरी है, तो आपको y एक्सिस की जरूरत थी, x की कोई जरूरत नहीं थी, तो आपने x नहीं निकाला। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें जरूरत किस बात की है, हम फालतू चीजें ना निकालें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अगला इसी पे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि आप इसमें गलती करते हैं बहुत ज्यादा और बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। अगला दिया गया है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्मड बाय 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y इक्वल टू 40। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्मड बाय 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड 5x प्लस 8y इक्वल टू 40 एंड x एक्सिस और x अक्ष, ये भी आपको याद करना पड़ेगा x अक्ष, क्योंकि हो सकता है कभी y एक्सिस पूछ ले, तो y एक्सिस के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फिर से हम वही करते हैं जो अभी तक करते आए हैं, अंतःखंड रूप बना लेते हैं इनका, x y कितना आएगा, 3 चौक 12 प्लस वाई चार तीन 12, यहां भी सॉल्व करिए, एक्स पांच अठे 40 और 8 पचे 40 बराबर है, सारे निकाल लिया हमने। अब एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये चार ये थी, यानी यहां कहीं ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये 8 और ये 5, यानी कि ये ऐसा कहीं जाएगी, ऐसे ही होंगे, तिरछा जाएंगे थोड़ा सा, देखिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, 5 इनके थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसे कहीं जाएगा। ठीक है, अब ये कहीं से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे आपको दिख रहा है, लेकिन करेंगे तो है ही ना, थोड़ा बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, यहां पे मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा गया इसका ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो निकालिए। एक्स एक्सिस अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से लेके ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, है ना। अगर वाई एक्सिस के साथ पूछा हो तो यही ट्रायंगल बनता है, ये छोटा सा, एक्स एक्सिस पूछा तो लंबा सा ट्रायंगल बनता है। तो आपको फिर से क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, यही तो हाइट होगी, यहीं पर जो ड्रॉ होगी यही हाइट आपको निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी ही तो हाइट है, कौन सी दूरी, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखिए दोनों लाइंस यहां पे कट कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स को बराबर करके कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वाई आपको निकालना है, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 तीन 15 यहाँ पे, 3 पचे 15 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 तीन 24 और यहाँ 5 और 20, 24 माइनस 20 4 वाई आ गया आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 तीन 15 3 से मल्टीप्लाई किया यानी 120 हुआ है, यहाँ 5 से 12 पचे 60 यानी 60 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 15 आ गई, वाई की वैल्यू 15 यानी हाइट 15, तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, हाइट 15 हो गई और एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी इसमें 4 थी इसमें 8 थी, यानी यहां से ये पूरी दूरी 8 है और यहां से यहां तक की दूरी 4 है, तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, सॉल्व कर दीजिए, 15 दूना 30 आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारी चीजें बहुत आराम से, और क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर।
देखिए आपको दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो 3x प्लस 4y इक्वल टू 84 और y इक्वल टू x तथा y अक्ष से बनता हो, ये इतना पूछा गया। तीन इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये, तीसरी इक्वेशन आपको पता है y एक्सिस, y एक्सिस बहुत आसान है निकालना। तो तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां पे इसी को हम सॉल्व करके लिखते चलते हैं। 3 से डिवाइड करिएगा 84 को तो कितना मिलेगा, 3 × 6 = 24 और 4 से डिवाइड करिएगा तो ये मिलेगा 4 × 2 = 8। अंतःखंड रूप आपने बना लिया है, अंतःखंड रूप बनाते ही आपको मिलेगा 28 और 21 पे कहीं पे कट करता हुआ, यानी ऐसा कुछ, ये 28 और ये 21, ये आपको मिल गया। अब आपको y इक्वल टू x ड्रॉ करना है। y इक्वल टू x का मतलब होता है, अगर इसी को सही से लिख लीजिए तो y माइनस x इक्वल टू 0 या x माइनस y लिख देते हैं, x माइनस y इक्वल टू 0 यही बनेगा। अगर आप इसके प्रवणता निकालने चलिए, स्लोप निकालने चलिए, तो स्लोप निकाल दीजिए फटाक से। x माइनस y मतलब आप समझ रहे हैं ना कहां कहां पे जा रही होगी लाइन, 0 0 से पास होनी चाहिए, क्लियर बात है। अरे देखिए इनको कहां पे बनेगा इसका, 0 0 से पास होगी ना लाइन, 0 0 से पास होने वाली लाइन है। अगर आप इनका tan थीटा निकाल दीजिए, tan थीटा यानी स्लोप, और स्लोप होता क्या है किसी लाइन का, माइनस ए बाई बी, माइनस ए यानी -1 अपॉन बी यानी -1 कितना आ गया, 1 आ गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी मिली आप, 45 मिली। ये अगर x इक्वल टू y लाइन दी गई है तो हमेशा वो पास होगी कहां से, ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से। और दूसरी बात, x इक्वल टू y मिलने पे थीटा कितना होता है, 45, ये इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे खींच दीजिए जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और इसके साथ 45 डिग्री का एंगल कर रहे हैं, बात क्लियर है। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन है इस पूरे आंसर को निकालने के लिए। पहली बात तो y एक्सिस के साथ निकालना है तो गलती बिल्कुल मत करिएगा कि x एक्सिस के साथ निकाल जा रही है, y एक्सिस पूछा है, यानी ये वाला जो पार्ट है देखिए, इतने पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है ना कि ये वाले पार्ट की वैल्यू, y एक्सिस के साथ निकालना है तो इधर वाले पार्ट की वैल्यू निकालना। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप एंगल के साथ निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा निकाल सकते हैं या कोई भी चीज करके निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। मुझे लगता है सबसे आसान ऑप्शन है कि अगर आपको पता है ये पूरा 90 था, ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45, यानी ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर आपको पता है कि इसका जो रेशियो होता है वही रेशियो यहाँ पे होता है, तो 21 और 28 का रेशियो क्या है, 7 × 28, 7 × 21, 3 × 4 का रेशियो है ना। आप जो भी पूछे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप निकाल लीजिए बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 21 × 28 का आधा, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया आपने और 3 × 4 में डिवाइड कर रहे हैं आप, तो सॉल्व कर लीजिए इनको, 3/4 × 3 = 7। इस वाले पार्ट को निकालना है, आपको पता होगा 3:4 रेशियो सॉल्व करना आपको आता होगा। 3:4 में अगर इस वाले की वैल्यू पूछी जाए तो 3/7 होगा, इस वाले की वैल्यू पूछी जाए तो 4/7, पता होगा आपको, सॉल्व कर दीजिए। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 3 × 6 = 12, 126 आने वाला है एरिया। अगर आपसे पूछा जाता x एक्सिस के साथ तो ये वाला पार्ट निकालते, आप 4/7 करते तो एरिया अलग आता, क्लियर हो गया होगा, पूरी बात पल्ले पड़ रही है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं का। देखिए आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक आप डायरेक्टली नहीं चला सकते अभी हम, क्योंकि आप जान रहे हैं बोर्ड की प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर से आप पढ़ा दीजिए सबसे पहले नंबर सिस्टम, तो हम कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम इसके बाद कैरी फॉरवर्ड करें, लेकिन आपको नंबर सिस्टम के लिए एक पेशेंस लेवल मेंटेन करना होगा, क्योंकि 2, 4, 5 क्लासेस में नंबर सिस्टम पूरा कवर नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, 2, 4, 5 क्लासेस में नहीं खत्म होगा, थोड़ी ज्यादा क्लासेस है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए, बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ग्राफ ग्राफ आपको समझा देते हैं।
ग्राफ आपके पेपर में शायद इस बार पूछा गया है ट्रायंगल में, ठीक है। आपको जब मिलता है कि वाई की वैल्यू मॉड एक्स दिया गया, मॉड एक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, मॉड एक्स का मतलब होता है कि एक बार या तो माइनस एक्स हो सकती, सॉरी प्लस एक्स हो सकती है वैल्यू, या माइनस, दोनों वैल्यू हो सकती है इसकी। मॉड एक्स के अंदर जो लिखी है वैल्यू, ये इसकी वैल्यू प्लस एक्स भी हो सकती है माइनस एक्स, लेकिन मॉड लगने की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जो हो सकती हैं वो कब कब क्या क्या हो सकती हैं, अगर ये एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल होगा जीरो से तो पॉजिटिव देगा, या नेगेटिव होगा तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इसका जो भी हमें बनाना है ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाना है, अगर y इक्वल टू एक्स हुआ, y इक्वल टू एक्स होते ही आपको पता है 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने क्या कहा, y इक्वल टू एक्स हो गया प्लस एक्स, y इक्वल टू प्लस एक्स हुआ यानी ग्राफ ऐसा जाएगा। आपको मैंने बताया y इक्वल टू एक्स होने पे ओरिजिन से पास होती है लाइन, और ग्राफ खींचने के लिए आपको एंगल चाहिए, एंगल 45 हो गया। इसी तरह आप दूसरा वाला ग्राफ अगर चेक करेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, या माइनस एक्स को इधर लाइए तो y प्लस एक्स की वैल्यू जीरो, या इसी को आप कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू माइनस a बाई बी होता है, तो माइनस वन बाई वन, और माइनस वन कब आता है tan थीटा, 135 पे, 135 कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा। आपने देखा होगा पेपर में एक बार पूछा हुआ एसएससी ने किसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ क्या होगा यहाँ 45 या 45, क्लियर होगा। एक और देख लीजिए जल्दी से, दूसरा ग्राफ जो पूछा जाता है y प्लस एक्स प्लस वाई ऐसे करके पूछा जाता है। देखिए अगर इसी को हम x इसमें और ऐड करें तब क्या करेंगे आप, इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये मान लीजिए अगर प्लस होगा तो ये पूरी वैल्यू 2x आएगी x प्लस एक्स, और ये अगर नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स यानी जीरो आएगी। ये कब होगा जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कब होगा x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब यही ग्राफ फिर से आप बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, पहली बात तो आपको x इक्वल टू अगर जीरो मिल गया तो आपको ग्राफ पता है, सॉरी x इक्वल टू नहीं y इक्वल, यहाँ पे y इक्वल टू जीरो अगर मिल गया तो आपको ग्राफ पता है y इक्वल टू जीरो कब होता है, जब x एक्सिस पे होते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए ये नेगेटिव वाला साइन है, मतलब छोटा वाला साइन है, छोटा है तो x नेगेटिव होगा, तो x एक्सिस पे ही ग्राफ बन जाएगा इसका। और दूसरा ग्राफ क्या होगा, 2x है, 2x के साथ अगर आप सॉल्व करके देखिएगा तो माइनस 1/2 मिलने वाला है, और आपको पता है कि ये ग्राफ हमेशा tan थीटा 0 से 90 के बीच में अगर ध्यान से देखिए तो हमेशा बढ़ता है, हमेशा वैल्यूज बढ़ती रहती है, तो इसकी वजह से ये ग्राफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा, झुक जाएगा वाई एक्सिस की तरफ, और ऐसा ग्राफ बनता हुआ देखिए। ये दोनों आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अभी काफी सारी चीजें बची हुई है, आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, ट्रायंगल हो चुका है सारा, सर्कल पढ़ना है अभी आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिरर इमेज पढ़नी है। तो अगली क्लास में हम सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।